अनिला सिंह जी, यहां जो मरा उसके लिए सहानुभूति के, हमदर्दी के दो बूंद आंसू नहीं टपके, लेकिन जिन लोगों ने मारा उनका एनकाउंटर होते ही यहां पर पूरी तरह से हाय तौबा मची हुई है, ऐसा क्यों? मेरी सबको राम राम। और मुझे तो बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता है, पूरे भारतवर्ष में अगर कोई इकलौती पार्टी है, राजनीतिक दल है जो हिंदुत्व पे, जो हिंदू के लिए मजबूती से खड़ा हुआ है, वो है भारतीय जनता पार्टी। हम किसी के और के साथ जाति नहीं करते, भेदभाव नहीं करते, ना जाति के आधार पे ना धर्म के आधार पे, परंतु हाँ हम मजबूती से आवाज उठाते हैं कि अपने आप में एक अनोखा उदाहरण है पूरे विश्व में कि ऐसा देश, ऐसा राष्ट्र जहां पर मेजोरिटी पॉपुलेशन को हमेशा माइनॉरिटी पॉपुलेशन टारगेट करती है, क्योंकि यहाँ पे 99% राजनीतिक दल उनकी वकालत करने के लिए खड़े हो जाते हैं। ठीक है राम को ओके जी जी, अपनी बात पूरी करें आप। जी, जब वो युवा बच्चा 21-22 साल का, उसके पीठ में गोली मारी इन लोगों ने, उसका कसूर इतना था कि केवल उनका वो झंडा उतार रहा था क्योंकि उसके भगवा ध्वज का इन्होंने अपमान किया था, कायर कहीं के। अरे हिम्मत थी तो सामने से आके छाती पे गोली मारते ना। हाँ, पीठ पे गोली मारी है, ये इनका चरित्र दिखलाता है। दल स्पॉन्सरशिप जो है, मरने वाले के लिए सहानुभूति नहीं लेकिन मारने वालों के लिए आंसू, ये क्या बात हुई भला? वैभव त्रिपाठी, मुझे इस बात पे आपत्ति है। आप जो बात, जो नरेटिव बढ़ा रहे हैं कि मरने वाले के लिए आंसू नहीं और उसके लिए आंसू, ये सब बातें गलत हैं। मामला ये है कि पुलिस प्रशासन के होने के बावजूद अगर वो बच्चा दूसरे के घर पे चढ़ जाता है, झंडा उतारता है, अपना झंडा लगाता है, तो पुलिस सोई क्यों थी, एक सवाल। दूसरा सवाल ये कि पुलिस के होते हुए वहां जब उसको गोली मार दी जाती है और फरार हो जाते हैं गोली मारने वाले, तब पुलिस कहाँ थी। तीसरी बात, पुलिस जो बात बता रही, जो स्टोरी बता रही है कि नहीं वहां गए जी बरामद करने हथियार, वहां पुलिस बेचारी मौन पड़ी, सारी गलती पुलिस की थी, गोली मारने वालों की कोई गलती नहीं थी। वैभव त्रिपाठी जी, यानी आपका ये कहना है क्या? अरे सुन लीजिए, सारी गलती अगर पुलिस की ही गलती है, अगर कहीं भी कोई भी अपराध होता है तो क्या सीओ साहब को जेल भेज दिया जाए? मुझे लगता है चंदन की अनिला जी बोल रहे थी एक तरफा अपमान थे। तो सर, मैंने जो सवाल पूछा था आप उससे हट के बुक कह रहे थे। मैंने ये पूछा, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ जी। आइए ना उस पे खुलेआम अपने नेताओं के कुछ बयान बताइए ना मुझे, जो कि उस युवक की, रामगोपाल मिश्रा की मौत के बाद आए हो, जिसमें उन्होंने सहानुभूति जताई हो। हर किसी ने सहानुभूति जताई, और अगर आप ये नैरेटिव चलाना चाहते हैं कि विपक्ष के नेता हत्यारों के साथ खड़ा है, तो आपको ये सोचना होगा कि आर्यन मिश्रा को जो मार दिया इन्हीं हिंदुत्व के ध्वजवाहक, जो तथाकथित ध्वजवाहक है, उन्होंने। अच्छा, गोली हिंदुत्व के ध्वजवाहकों ने चलाई, शूट करने वाली उंगली जो है रही होगी, ये बड़ा दिलचस्प बात है। इसको लेकर के वैभव जी, यही इस बहस का मकसद ही यही है कि ये जो दोहरा रवैया है उसको सामने लाया जाए। एक मिनट सुनिए सर, अभी परिवार जो है ना, रामगोपाल मिश्रा का परिवार जो है क्या कह रहा है जरा सुनिए जी। रामगोपाल मिश्रा का परिवार क्या कह रहा है वो सुनाते हैं आपको, उसके बाद फिर आप फिर आइएगा, जवाब दीजिएगा। हाफ इनकाउंटर हुआ, उनके पैरों में गोली मारी गई है, क्या कहेंगे? उससे हम खुश नहीं है, हमें शांति नहीं मिली अभी। जब तक उनके सीने में गोली नहीं मारी जाएगी, जितनी गोली हमारे पति के सीने में मारी गई थी उतनी ही गोली उनके सीने में उतारी जाए, तब हम लोगों को सुकून मिलेगा। जितने लोग भी थे वहाँ पे हमारे पति को जब मार रहे थे, उतने लोग अगर पकड़े गए हैं तो उनके भी सीने में उतनी ही गोली मारी जाए जितनी हमारे पति के सीने में मारी गई थी, तब हमें सुकून मिलेगा, हमारे पति को, आत्मा को शांति मिलेगी। पुलिस तो कह रही है कि आरोपी भाग रहे थे, उनके पैरों में गोली मारी गई, उनको घूस खाई हुई है। पुलिस भाग, मतलब बता रहे भाग रहे थे, भाग नहीं रहे थे, मतलब हम लोगों को दिखाया गया है कि सिर्फ पैर पे गोली मारी गई, बल्कि पुलिस घूस खा के बैठी है, ये दिखा दिए हम लोगों को, मतलब वो लोग पकड़ गए हैं, गोली लग गई है, अब उन्हें बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो हम, हमारा भी पति ऐसा होता तो हम लोग क्यों भागते, भागते ही नहीं उन लोगों के पीछे। अभी हमें ये दिखाया जाए कि उनके सीने पे गोली मारी गई, ये तब हमें सुकून मिलेगा, मौत के बदले मौत। देखिए, मृतक रामगोपाल मिश्रा के पिताजी मौजूद हैं, क्या लगता है आप लोग को, न्याय मिल गया है? न्याय साहब, न्याय मिल चुका है, इससे आत्मा का हम बड़ा कष्ट है, और न्याय मिले। उनके गोले वहाँ मारी गए, भला बताओ कि गोले वहाँ कैसे गोली लाग, उनके जान करके गोली पैर वहाँ मारी गई, खाली दिखावे खाते। अगर अगर गोली खेत करके मारी गई हो तो सीने पे लागे कहूँ लगा, तो बनावा गवा।
हमारे आत्मा का संतोष नहीं है। जब तक बदला हमें लड़का जितना मारा गया तितना नहीं मारा जाता है तब तक आत्मा का संतोष नहीं। हम कहीं जैसे हमारा लड़का मारा गवा वैसे मारा जाए उतन गोली उनके मार प्राण लीन जाए तब हमका सुकून है। बिच्चा सुकून नहीं है। मारा जाए जरूर मार डाला जाए जैसे हमारा लड़का मरा वैसे भी मरा तब तो हमका सबका सुकून है। नहीं सुकून नहीं है। हाँ जितनी गोली हमरे लड़के के लागी न जितना मारी है पेट्रोल लगाई शरीर को गोली छर्रा बाका पैरन के सब नाखून निकाल ली हाथन गौ का है पुलिस से जाने मारी पहले सब कह रहा है कि बामहना में तो मारा जाए तो बामा मारी हमरे लड़के को मारी तो हमका सुकून ना है। जब कोई मरे वह इतना तब हमका सुकून हो कि उन्हों उनके कोई बप्पा बुआ रुआ में कि हमारा लड़का मार डरा गौ मारन न है। तो ये रामगोपाल मिश्रा के परिवार का दर्द था जो अपने बेटे को गवा चुका है। यहां दानिश कुरैसी साहब, जो लोग झंडा उतारने को लेकर के हत्या किए जाने को जायज बता रहे थे वो एनकाउंटर के प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात है सर। देखिए आपको तो दिलचस्पी लगेगी क्योंकि कानून व्यवस्था के नाम पर सबसे पहले तो नाकाम रही वो पुलिस जिसके चलते पूरे बहराइच को आग में झोंक दिया गया। उसके बावजूद भी जितने भी आला अफसर हैं अब तक अपनी जगह से हटाए नहीं गए। ये सबूत है इस बात का कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी क्रिएट के नजर आई। उसके बाद वहां झंडा निकाला गया तब तक पुलिस शांत रही। उसके बाद वो नौजवान को गोली मारी गई तब तक पुलिस शांत रही और उसके बाद राजनीति शुरू कर दी भारतीय जनता पार्टी ने। और आप देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि कोई आम इंसान अभी आप दिखा रहे थे उसके परिजन पीड़ित है वो ठीक है अपनी जगह उनका दर्द है ठीक लगता है लेकिन उसके बाद अगर ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय तर्ज के नेता जिस भाषा में बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि शायद अब कानून और व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं है। इंसाफ करने का काम कानून का है योगी सरकार का या योगी सरकार की। अनिल सिंह जी पूरी गलती जो है पुलिस की थी जिन लोगों ने बोतल इकट्ठा किए पत्थर इकट्ठा किए जो गोली चलाई उनकी कोई गलती नहीं थी पूरी गलती पुलिस प्रशासन की थी। अब तो पूरी दुनिया को समझ में आ रहा होगा ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है 5 किलो राशन देती है और समाजवादी पार्टी कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल जिनकी मानसिकता तुष्टिकरण की है वो 5 किलो पत्थर देते हैं कि जब भी कोई हिंदुओं का जुलूस निकले प्रोसेशन निकले कोई कार्यक्रम करें अपने हिंदू देवी देवताओं का उनके ऊपर पत्थर चलाओ और पत्थरों से मन ना भरे तो गोली चला दो। मॉब मेंटालिटी जी साहब इन्वेस्टिगेशन होगा पुलिस का इन्वॉल्वमेंट का पूरा एक एक चीज की जांच होगी सब सामने आ जाएगी कि ये जस्टिफाई होता है। हाँ यहाँ पर दानिश कुरैशी जी बैठे हुए हैं इन्हीं की पार्टी के जो ओएसी दी ओएसी साहब जो हैं जो प्रयासरत रहते हैं हमेशा कि मैं मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता बन जाऊं। भारत के मुसलमान उनको सबसे बड़ा नेता मानते नहीं पर प्रयास रहते हैं। उनके छोटे भाइयों ने क्या क्या नहीं कहा उन्होंने क्या क्या नहीं कहा हिंदू देवी देवताओं के बारे में। ठीक है सीता जी के चरित्र से जवाब दीजिए। दानिश कुरैशी जवाब दीजिए। अरे अरे सुनिए देखिए अनिला सिंह जी की परेशानी क्या है कि उनको ये तो याद है कि पहले किसने क्या कहा। अभी अभी जस्ट ये बिहार के जो नेता इतने बड़े नेता ये कह रहे हैं कि उसको गोली मार दी है और वो बच गया ये क्या भाषा का इस्तेमाल है इसका तो जवाब। दानिश कुरैशी साहब यहाँ भाषा के इस्तेमाल पर आप फोकस कर रहे हैं। Zini